किचन आज हम बनाएंगे राइस पकोड़ा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप लेफ्ट ओवर राइस, 2 स्मॉल चॉप्ड ऑनियंस, 6 टेबलस्पून सूजी, चॉप कोरिएंडर लीव्स, 1 चॉप ग्रीन चिली, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। सबसे पहले हम राइस को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। राइस में हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इससे राइस इजीली ग्राइंड हो जाएंगे। राइस को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसकी एक स्मूथ पेस्ट बन गई है, आप देख सकते हो। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे, सॉल्ट, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, सूजी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसके हम पकोड़े बना के फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे और पकोड़े बनाएंगे। इसको हम मीडियम साइज में बनाएंगे। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो सूजी अंदर से कच्ची रह जाएगी। पकोड़े फ्राई हो गए, अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे और सर्व करेंगे। ये हमारी आज की रेसिपी राइस पकोड़ा। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।